और एक बड़ी खबर बैतूल से सामने आ रही है, जहां पोल्ट्री फार्म पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला है, चौकीदार को बंधक बनाया है और 50 से ज्यादा कड़कनाथ मुर्गी बैच चुरा ले गए हैं। करीब 7 से 8 नकाबपोश बदमाश थे जो हथियारों से लैस थे। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई है। लॉकडाउन के चलते चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि अपने शौक के लिए चोरी करने लगे हैं। बगडोना नगरीय क्षेत्र के लगे मड़काधना गांव के बाहर फोफस नदी के यहां पर एक पोल्ट्री फार्म है जहां कड़कनाथ मुर्गे थे, यहां धावा बोला गया है। पोल्ट्री फार्म के संचालक हैं योगेश जावलकर, इन्होंने जानकारी दी है कि सीसीटीवी कैमरे में चोरों की वारदात कैद हो गई है, लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। ये फॉर्म आप ही का है जी? क्या हुआ था नाइट रात में? रात को करीब 11:30 बजे 7-8 लड़के लोग थे, 2-3 गाड़ी से आए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ पर रिकी किया, उसके बाद में वो सीधे अंदर आया। सभी के हाथ में हथियार थे, किसी के हाथ में लाठी थी और किसी के हाथ में तो अच्छे बड़े बड़े चाकू छुरी भी थे। वो सभी आए यहाँ पर, अपने चौकीदार को गाली गलौज करने लग गया, बोल रहे थे चाबी दो, ये दो, वो दो। उसके बाद में सीधे अंदर घुसे यहाँ से जाली तोड़ के, और इधर भी ये सारे आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा एकदम उन्होंने ये कर दिया था और छाट छाट के मुर्गे निकाले उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कितने कड़कनाथ मुर्गे आपके चोरी हुए? कम से कम 40 के आसपास। 40 मार्केट रेट क्या था उनका? कम से कम था 50,000-60,000 के आसपास। अब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक्शन हो और जो भी है उनको पकड़ा जाए।